हाय गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आर इवॉल्व 2.0 जर्नी। आज है डे 1 आउट ऑफ 150 एंड जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने अभी अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनाया। अब से हमारा जो न्यूट्रिशन है थोड़ा चेंज हो चुका है। मैं पिछले 1.5 साल से सेम खाना खा रहा हूँ, जैसे आपने मेरे व्लॉग्स में देखा है। नाउ एवरीथिंग विल बी डाइल्ड इन, एवरी मील इज़ वेरी पर्टिकुलर, एवरी मील सर्व्स इट्स पर्पस। तो इसमें है 5 अंडे जिसमें से 3 एग वाइट हैं और 2 होल एग हैं। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पेरी पेरी स्प्रिंकल किया है एंड ये 4 टोस्टेड ब्रेड जिसके साथ मैंने 20 ग्राम नट बटर ऐसे स्प्रेड कर रखा है इसको। एंड यार, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट हमारी लॉन्च वीडियो पे। कांट इवन टेल यू कितनी ज़्यादा मेहनत करी हमने उस वीडियो पे, रघु और मैंने मिलके। 3-4 दिन की सिर्फ प्लानिंग थी जिसमें हमने अच्छे से पूरा सोचा कि किस टाइप से हमें स्ट्रक्चर करना है। 5 दिन की लगातार शूटिंग जिसमें हमने रोज़ 8-9 घंटे शूट किया है अलग अलग लोकेशन पर जाके, जितनी भी हो सकता था कि यार अच्छी एस्थेटिकली अपीलिंग हो, जो वीडियो में अच्छी एक सिनेमैटिक लुक लेके आ सके। एंड उसके बाद तो पता नहीं एडिटिंग का तो काउंट ही नहीं, आई थिंक 4 पूरे दिन लगा देंगे, मतलब जो टोटल एडिटिंग बैठने वाला टाइम है। बाय द वे, इन सारे जो भी हमने चीज़ें शूट करी हैं इन सब पे BTS आएगा। अब मेरे को ये कन्फ्यूजन है कि मैं इस चैनल पर डालूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक चीज़ कॉमेंट करी कि यार आप इस वाले चैनल पर सिर्फ फिटनेस वाला कॉन्टेंट डाला करो। तो आई एम थिंकिंग मे बी आई विल ओपन अनदर चैनल जिस पे सिर्फ व्लॉग्स होंगे, जिसमें मतलब जिस भी वीडियो में ट्रेनिंग नहीं होगी वो उस वाले चैनल पे जाएगा व्लॉग। तो कमेंट करके बताओ, वुड यू लाइक टू हैव अनदर चैनल जिसमें सिर्फ डेडिकेटेड व्लॉग्स डालें और इस पर डेडिकेटेड फिटनेस कॉन्टेंट डालें, मतलब व्लॉग्स भी डालेंगे बट जिसमें मेनली फिटनेस हो। दिस वीडियो, दिस प्रोजेक्ट हैज़ सरपास्ड ऑल माई प्रीवियस वर्क, मतलब रघु के बिना तो ऑब्वियसली नहीं हो पाता, बट आई एम ऑल्सो वेरी ग्लैड कि इस एक अलग ही टाइप की रिप्रेजेंटेशन हम कर पाए जो मेरी स्टोरी थी एंड जिस टाइप से मैं आप लोगों की तरफ वो प्रेजेंट कर पाया। अभी भी ऐसे 10 चीज़ें हैं जिसको मैं ऐसे पिकआउट करके बोल सकता हूँ यार ये चीज़ ठीक नहीं हुई, ये चीज़ ठीक नहीं हुई। एक दिन और मिल जाता तो अंदर का परफेक्शनिस्ट है कभी मतलब सेटिस्फाई नहीं होता। तो गाइस, इस वीडियो पे कमेंट्स और शेयर्स नहीं रुकने चाहिए, ऐसे ही आगे अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते रहो, उनको भी एक डेली डोज इंस्पिरेशन या मोटिवेशन का देते रहो। एंड यार, मेरे लिए बहुत एक फुलफिलिंग प्रोजेक्ट था ये। मेरे को बहुत टाइम से ऐसा कुछ बना था जो मेरी क्रिएटिव और फिजिकल साइड दोनों, मतलब जो मेरे एस्पेक्ट्स हैं दोनों को मैं कंबाइन करके एक बहुत एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकूं, एंड दिस वाज दैट। एंड आई एम गेसिंग आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स होंगे यार, व्हाट इज़ दिस इवॉल्व सीरीज अबाउट, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आराम से। गाइस, बस अभी थोड़ी देर पहले मैंने शावर लिया, अभी अब आधे घंटे तक में मैं जिम जाऊँगा। लोग यूजली जिम के बाद शावर लेते हैं, मैं पहले लेके जाता हूँ। पता नहीं, इट फील्स लाइक कि मतलब अब मैं नहा लिया हूँ तो नाउ आई विल स्टार्ट माई डे, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई नीड टू डू। तो जब भी मैं निकल रहा होता हूँ घर से तो मेरा ये होता है कि भाई शावर लेके निकलो, अब दिन चालू हो गया है। बट एनीवे, आज का हमारा मॉर्निंग वेन था 99.8। वेट मशीन में को लग रहा है थोड़ा ये फ्लक्चुएट कर रही है, कभी 99.5 दिखा रहा था, कभी 99.9 दिखा रहा था, बट मोस्टली आई थिंक 99.8 के आसपास ही है। एंड गाइज, ये था मेरा आज का फिजिक अपडेट। 9900 केजी के हिसाब से काफ़ी अच्छी फिजिक लग रही है, जो मेरा गोल था कि एक आइडियल बल्क हो, आइडियल मसल मास पुट ऑन हो, काफ़ी हद तक वो हुआ है। इवन दो इट वाज ऑलवेज लाइक 2 steps forward 1 step back, लेकिन आई फील आई एम लुकिंग वेरी गुड, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है ऑलरेडी आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि आगे जाके इन नेक्स्ट 150 डेज़ में क्या होता है। एंड स्पीकिंग ऑफ 150 डेज़, आप सब सोच रहे हो कि यार ये इवॉल्व 2.0 है क्या, इस बार ही मैं क्या करने वाला हूँ। लाइक इवॉल्व सीरीज़ जब इनिशियली स्टार्ट करी तब कोविड चल रहा था, तो मेरे को ये दिखाना था कि घर पे भी आप ट्रेनिंग करके अच्छे रिजल्ट लेके आ सकते हो, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। नाउ इस बार हमारा 150 डेज़ का प्रॉपर कट होने वाला है। दैट्स राइट गाइज, द लेजेंडरी कट हैज़ फाइनली बिगन। एंड यार, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपने आप को लीन देखने के लिए, बिकॉज 3 साल हो गए हैं एंड पिछले 1.5 ईयर से तो ये मसल बिल्डिंग फेज चल रहा है। एंड इट कुडेंट हैव बीन बेटर, बिकॉज इस बार कोच गोकू के सुपरविजन के अंडर किया था, हर चीज़ एकदम अच्छे से पिन पॉइंट गई है। एंड इस बारी का कट भी तभी ऑलमोस्ट 5 मंथ्स लॉन्ग है, मैंने हमेशा जो करे हैं 10 या 12 वीक्स के करे हैं, जो कि कभी कभी लास्ट में आते थे, एक्सट्रीम में आते थे। सो यार गाइस, दीज 150 डेज आर अबाउट कार्विंग आउट द बेस्ट फिजिक पॉसिबल। इतने टाइम से जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा था, मसल पैक ऑन कर रहा था, नाउ इट्स फाइनली टाइम टू रिवील ऑल दैट हार्ड वर्क अंडरनीथ। एंड मोस्टली जब भी मैंने अपना कट स्टार्ट किया है इट वॉज ऑलवेज लाइक 10-12 वीक्स का, एंड बाई द एंड ऑफ द कट मेरा वेट होता था 81-82 kgs, एंड दैट वॉज द लीनेस्ट जो मैंने अपने आप को देखा है। बट ऑब्वियसली उसमें फिर मसल भी काफ़ी कम थी, मैं 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एंड जब सबसे पहले मैंने कम्पीट किया था मिस्टर आरामिटी दैट वॉज इन 2018, एंड तब मैं सबसे ज़्यादा ड्राइस्ट था। बट 6 साल बाद अब मैं 100 kg का हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि इस कट के एंड में मेरा वेट एक तो आई नो ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज आई ऑब्वियसली आई एम मच बिगर कम्पेयर टू दैट। 6 साल में तो यार इतनी मसल तो पैक ऑन कर ही ली है,
पिछले 1.5 साल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है स्ट्रेंथ में, मसल में. अब मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगा, आई विल जस्ट लेट माई वर्क डू द टॉकिंग. या अभी जाके फटाफट अपनी प्री वर्कआउट ड्रिंक बनाते हैं एंड देन विल गो एंड हैव अ किक-ass बैक सेशन. ऑलराइट गाइस, काफ़ी वियर्ड लो एंगल है बट दैट इज़ द ओनली वन आई कैन मैनेज. मैं अपनी प्री वर्कआउट ड्रिंक बना रहा हूँ जिसमें 40 ग्राम ग्लूकोज, हाफ स्कूप वे प्रोटीन एंड मैं ये यूज़ करने वाला हूँ क्लियर वे, जो कि एक नया लॉन्च है मसल बेस का. एंड इस गर्मी में बहुत ज़्यादा एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है. एंड ये है एक आइसी ऑरेंज फ्लेवर में, जो जैसे आप वो नहीं खाते हम मदर डेरी क्वालिटी से जो ऑरेंज बार आते हैं उसकी तरह टेस्ट करता है ये. बट एक इसमें फीडबैक है, टेस्ट बहुत अच्छा है, बस थोड़े से लम्स बनते हैं, जो कि मैंने मसल बेस की टीम को फीडबैक दे रखा है, तो वो भी दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट. लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छे, इसकी मैक्रो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल भी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है. तो इसका हम हाफ स्कूप डालेंगे. इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पहले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. एंड एज ऑलवेज डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड सेड MB टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड टू सपोर्ट मी. एंड इसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा ये पिंक सॉल्ट, ये EAA's का हाफ स्कूप एंड ये बेरी बोल्ड फ्लेवर का प्री वर्कआउट का 1 स्कूप. मैं यूजली हाफ स्कूप डालता हूँ बट आज से आई विल बी कंज्यूमिंग 1 whole scoop. 200 मिलीग्राम कैफीन होता है. ऑल्दो मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा कैफीन सेंसिटिव हो रखा था, तो हाफ 1/3 scoop में मेरे को लाइक गुड अच्छा वो किक इन कर जाता था, बट आज से फुल स्कूप. देख रहे हो हल्के हल्के आपको बस इसमें छोटे से लम्स दिखेंगे, अदर देन दैट काफ़ी सही है. तो ये हमारी प्री वर्कआउट ड्रिंक रेडी है. नाउ पोस्ट वर्कआउट के लिए इसमें अगेन 40 ग्राम ग्लूकोज, हाफ स्कूप वे एंड थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे हम. तो मैं एक ही बारी में बना के जाता हूँ सो दैट मैं डब्बे वब्बे तो कभी कैरी नहीं करता, ना गाड़ी में ना बैग में. अपना जो है घर से लेके जाओ, चुपचाप वर्कआउट करती हो एंड यू सॉर्टेड. ऑलराइट गाइस, जिम आ चुके हैं तो अभी जो रूटीन है ट्रेनिंग का वो चेंज हो जाएगा एंड मैं अर्ली हाफ ऑफ द डे में ट्रेनिंग ख़त्म कर लूँगा, प्रेफरेबली 12 बजे से पहले. तो एनीवे आज है हमारा बैक सेशन. उससे पहले जो मैं अपना बेसिक वार्म अप करता हूँ, फोम रोलिंग लैट्स पे, अपर बैक पे, लोअर बैक पे, क्वाड्स, काफ्स, वो सब कर ली मैंने. 10-10 rolls, कैट कैमल्स जो आपने मेरी जनरल वीडियोज़ में देख रखा है तो आई विल नॉट रिपीट इट. तो अभी वर्कआउट करने से पहले मैं अपना लेग के लिए रियाप करूँगा. वी हैव प्रोग्रेस्ड अपनी नेक्स्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग में, जहाँ पे इम्पैक्ट बेस्ड एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करेंगे. तो मतलब इसमें 12 से 20 इंच के बॉक्स के ऊपर से जंप करना है. तो पहला मूवमेंट इज़ जिसमें दोनों पैरों से ऊपर जंप करना है बॉक्स के एंड सिर्फ सिंगल लेग पे लैंड करना है, काइंड ऑफ लाइक एन आइडियल पोजिशन में. एंड उसी में फिर और एक और लीप लेंगे, बट दैट इज़ द नेक्स्ट प्रोग्रेशन. तो इसके 4 sets करने हैं, 5 jumps ईच साइड. फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है सिंगल आर्म केबल लैट पुल डाउन. ये आपने मेरे को पिछले साल वाले ट्रेनिंग सेशंस में करते हुए बहुत देखा होगा, डायगोनल पुल डाउन्स. बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मैंने रील भी बनाई थी इसके ऊपर. 3 back एक्सरसाइज दैट यू शुड डेफिनेटली इंक्लूड. उसके करने हमें 3 sets एंड 12 से 15 minutes. नेक्स्ट एक्सरसाइज है रैक पुल, जो कि मिड स्ट्रेंथ लेवल से थोड़ा ऊपर है एंड इसके हम करने हैं 3 working sets, 6-8 reps, स्मूथ एंड एक्सप्लोसिव. मैं जो भी डेडलिफ्ट, RDL या फिर रैक पुल करता हूँ तो हुक ग्रिप से करता हूँ, तो वो उसमें बार के नीचे से अंगूठा रैप करके पकड़ते हो तो पूरा स्क्विश हो जाता है. अभी जो हमने एक्सरसाइज करी वो थी डंबल मैवरिक रोज. काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है इफ़ एग्जीक्यूटेड राइट. मैं भी अभी आई एम स्टिल गेटिंग द हैंग ऑफ इट,
बट दिस इज़ अ वेरी अंडररेटेड एक्सरसाइज, गोकू भाई ने डाली थी प्रोग्राम में एंड काफ़ी अच्छा लैट्स का फील होता है. तो अगली एक्सरसाइज है सीटेड केबल रो, 3 सेट करने हैं, 8 रिप्स एंड हैवी करना है. यूजली मैं इस पर 15 रिप्स के आसपास करता हूँ, वो भी 2 सेट. वी आर ओनली हाफ वे थ्रू आवर वर्कआउट, ऑलरेडी बैक काफ़ी पम्प्ड हो चुकी है, बट लेट्स डू इट. अगली एक्सरसाइज 3 सुपर सेट्स डम्बल श्रक्स के 15 से 20 रेप्स एंड रोप केबल पुल अपार्ट के. तो आपने पहले भी देखे होंगे अपने पिछले साल वाले वर्कआउट्स में, पुल वर्कआउट्स में यूजली तब मैं रोप फेस पुल पहले करता था, फिर ये बाद में. इट मे नॉट सीम दैट टफ, लेकिन बैंड बच जाते हैं इसमें. अभी जिम से मैं आया हूँ एंड सनी और श्रेष्ठ जोरदार तरीके से लगे हैं. क्या हाल है भाई? हाउ आर यू भाई? थक चुका हूँ, अब तेरी बारी है. भाई सनी ने ना सारा काम एकदम ऐसे जोरदार तरीके से कर दिया है और ऐसे बोल बोल के तारीफ करके मेरे से काम कराता है. नहीं सच में, ये पहले एकदम ऐसे नूब जैसे एडिटिंग करता था, अभी एकदम एक बारी में प्रो हो गया है. व्हाट अबाउट यू श्रेष्ठ? ये तो भाई बढ़िया है, ये तो भाई भाभी से बात कर रहा था अभी. नया पॉडकास्ट लाइव होने वाला है अनफिल्टर्ड रियलिटी के पेज पे, जाओ जाके सब्सक्राइब करो चैनल पे. ऑलरेडी हम 8 पॉडकास्ट डाल चुके हैं एंड ये हमारा 9th होने वाला है. ये बहुत इंसाइटफुल, बहुत अच्छा और पॉडकास्ट है, स्पेशली जो रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं. जब तक ये ब्लॉग डलेगा तब तक लाइव हो जाएगा, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन. लाइव हो जाएगा ना भाई? हाँ भाई, चलो भाई मेरी ड्यूटी लग गई.